फर्स्ट व्लॉग। सो गाइस अपने चैनल का ही नहीं, वैसे देखा जाए तो मेरी पूरी लाइफ का ये पहला व्लॉग होने वाला है। सो गाइस आज हमने फाइनली परचेस कर लिया। आपने पिछली लाइव स्ट्रीम अगर देखी होगी तो मैंने आपसे बोला था कि हम जल्द ही एक स्टीयरिंग व्हील परचेस करने वाले, एंड गाइस फाइनली अभी हमने स्टीयरिंग व्हील परचेस कर लिया है। एंड अभी जस्ट पीछे रखा है तो अभी घर जाकर इसकी पूरी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसको पीसी के ऊपर सेटअप करने वाले, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड इसमें कौन सी गेम्स खेलेंगे तो जितनी भी लाइक फोर्जा होराइजन 5 या फिर क्रू मोटर फेस्ट आपने देखा होगा, तो वो जितनी भी सारी गेम्स है वो इससे हम खेलने वाले, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करने की ट्राई करेंगे। तो वैसे अभी जस्ट घर पर जाकर पहले तो इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, सेटअप करेंगे, वो भी आपको जस्ट बताने वाला आगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। और वैसे ये अपने चैनल का या फिर मेरा खुद का भी देखा जाए तो पहला व्लॉग होने वाला है, तो कैसा लगा, मतलब क्या कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है वो भी आप मेरे को कॉमेंट्स में बताते रहना। एंड चलिए वैसे अभी घर पर जाकर मिलते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस तो ये है अपना स्टीयरिंग व्हील का पूरा बॉक्स, अभी इसको करते हैं अनबॉक्सिंग, लेट्स गो। तो अभी अपने पास बिल्कुल हथियार है, खतरनाक वाला, थोड़ा सा मैं एडजस्ट होने दो। तो यहाँ पर पूरा चाकू अनबॉक्सिंग की शुरू करते हैं, टेक्निकल गुरुजी बनने वाला आज हम। तो यहाँ पर अभी मजा इसके अंदर, ये पेडल्स भी और ये गियर शिफ्टर भी था, लेकिन ये मैंने मंगवाया नहीं है वैसे। और चलो पैकिंग बिल्कुल प्रॉपर है, लेकिन ये कहां पर गया, लीजिए टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं, यहां पर इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके अबे इसको किसने रख दिया। सो यहां पर है ये यूजर मैनुअल, तो इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फिर मोबाइल का यूजर मैनुअल नहीं है जो हम इसको फेंक दें, इसको अच्छे से ये देखो यहाँ पर पूरा सेटअप बता रखा है। तो अभी हम सेटअप भी करने वाले, जस्ट इनको अभी रखते हैं यहाँ पर साइड में। एंड यहाँ पर अपना मेन कंपोनेंट्स, यहाँ पर ये कुछ केबल्स, एंड ये देखो पूरा ऐसा सेटअप भी आता, आप देख सकते हो यहाँ पर, जिसमें अपना घर जाएंगे ये नहीं लेना अपने को। यहाँ पर पूरी लालच दे रहे थी, क्या पता इतना इसने ले लिया, इतना भी ले लिया लेकिन नहीं गए। एंड गाइस ये है अपना स्टीयरिंग व्हील, लेट्स गो। और कोई प्रोफेशनल अनबॉक्सर नहीं हूँ भाई मैं, जो कि यहाँ पर टेक का यूट्यूबर नहीं हूँ जो कि आपको बिल्कुल प्रोफेशनल बताऊं, लेकिन ये देखिए भाई क्या माल है यार, खुशबू तो है, हाँ मस्त खुशबू है, मच्छोदी मत कर। तो गाइस ये है अपना स्टीयरिंग व्हील, एंड यहाँ से गियर शिफ्ट कर रही है खतरनाक तरीके से। चलो भाई इसको सेटअप करने वाले, पहले इसको साइड में रखता हूँ। एंड ये है अपने पेडल टूट फूट नहीं जाए, लेट्स गो। ये है अपने पेडल्स जो कि काफी ज्यादा अच्छे, भाई वेट तो काफी ज्यादा है, तो लॉजिटेक G29 है तो ओब्वियसली वेट तो होगा ही, जितने ज्यादा पैसे का है उतना ही ज्यादा वेट। और लेट्स गो, ये देखिए ये है पेडल्स, बिल्कुल रियलिस्टिक फीलिंग आने वाली। एक्सीलेटर ब्रेक और ये क्लच, भाई ब्रेक कुछ ज्यादा हार्ड है वैसे, इसको सेटअप करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस अभी थोड़ी सी मजदूरी भी करनी पड़ी अपने को, यहाँ पर देखिए इतना कुछ अपने को यहाँ पर काटना पड़ा इस टेबल को थोड़ा सा, क्योंकि ये यहाँ पर सेटअप नहीं हो रहा था, तो इसको फिर से सेटअप करते हैं। सो गाइस यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया पूरा, नीचे पेडल्स भी है, मतलब एक्सीलेटर ब्रेक क्लच पूरा सिस्टम है। एंड यहाँ पर अभी हम चलाने वाले, लिटरली बिल्कुल ही रियलिस्टिक फील है, मतलब भाई ये स्टीयरिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसको यहाँ पर कंट्रोल करना, पहले मैं एडजस्ट हो जाता हूँ यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर नीचे में एक्सीलेटर यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ। एंड गाइस ये पहला मतलब व्लॉग टाइप है इसलिए इसमें ऐसा है, लेकिन जब मैं इसका प्रॉपर गेम प्ले बनाऊंगा तो बिल्कुल फील आने वाला है, लेट्स गो। मतलब पूरा स्टीयरिंग का गेम प्ले बताऊंगा और अपना फेस गेम भी। यहाँ पे स्टार्ट कर दे, लेट्स गो, गाड़ी अपनी स्टार्ट हो चुकी है भाई,
साउंड सुनो, कोने से जेस को है भाई, एंड ड्राइविंग मतलब अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किए भाई, मतलब ये इसके ऑटो, ये देखो ऑटोमेटिक जा रही है स्टीयरिंग, इतना ज्यादा हार्ड कंट्रोल करना इसको। एंड वेट, अभी फिर से ट्राई करता, लेट्स गो, ये एक्सीलरेटर फुल प्रेस कर, पूरी स्टीयरिंग मतलब पावर स्टीयरिंग नहीं है, मतलब नॉर्मल जो कार्स होती है, मतलब ये ट्रक वाली स्टीयरिंग है, मतलब पूरी ज्यादा ही यहाँ पर फुल, यहाँ पर ऐसा यहाँ पर जोर लगाना होता है, पूरी नॉर्मल, ये देखो मतलब पूरी ऑटोमेटिक चल रही है, यहाँ पर एक्सीलरेटर प्रेस कर दिया, एंड स्टीयरिंग देखो ये भाई नॉर्मल, मतलब ये देखो इतना मैंने ये पकड़ रखा लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा, और कच्चे रास्ते में, इस टाइप के रास्ते में भाई इम्पॉसिबल है चलाने टाइप से, मतलब देखने को ऐसा लगता है अपने को कोई अगर गेम प्ले कर रहा होता है तो उनको सल्यूट है भाई, लिटरली इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, एक टाइम पे आप रियल कार चला लोगे लेकिन इसको सीखना बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, क्या सीखने में इसको सीखना भाई, अभी नीचे निकल गया भाई।